पंजाब वर्सेस लखनऊ, काफी अच्छा मैच रहेगा ये पंजाब और लखनऊ, जो लखनऊ में मैच है। अब देखिए लखनऊ एक ऐसी टीम है, एक हारी भी है, जीती भी है। हम देखिए पिछले आपके शेखर धवन एक नए अंदाज पे लेके आए टीम को। फर्स्ट मैच जो जीता है बहुत जबरदस्त मैच था, दिल्ली से जो जीता है, उसके बाद का एक मैच हार गए। मगर आप पंजाब जो है वन ऑफ द बेस्ट टीम है बोल सकते हो, जैसा शेखर धवन पंजाब ऐसी टीम है। देखिए पंजाब के मुंडे बहुत जबरदस्त है, आपके जो पंजाब के मुंडे दिख रहे हैं काफी अच्छे दिख रहे हैं। मेरे साथ कुछ प्लेयर्स है पंजाब के और चाहने वाले है। आपका फेवरेट कौन है जी? कगिसर अबाड़ा। लास्ट में देखिए विराट कोहली के साथ जो मैच था उस मगर विराट कोहली बहुत मारे उनको, सही है ना? मगर ये मैच में अच्छा था कगिसर अबाड़ा। साउथ अफ्रीका। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है जी? शेखर धवन वन ऑफ द बेस्ट। अब देखिए आईसीसी वन रैंकिंग में काफी अच्छे प्लेयर है और शेखर धवन को इंडिया की टीम में कमबैक करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड कप के बाद वर्ल्ड कप के लिए कमबैक करे शेखर धवन। जब भी आईसीसी का टूर्नामेंट हो शेखर धवन अच्छा करते हैं। बिल्कुल, ही इज अ रियली केपेबल प्लेयर ऑफ गेटिंग बैक इनटू द इंडियन टीम एंड ही इज अ रियली स्मार्ट कैप्टन, अ वेरी क्लेवर कैप्टन हु कैन जज द टीम वेरी इजीली। ही इज एक्सपीरियंस प्लेयर। देखिए काफी अच्छी बात है बच्चे में। देखिए एक्सपीरियंस यही होता है, देखिए हर कितने YouTube चैनल रहने दो क्या भी रहने दो, वो अपने दिल से बोलते क्या बोलते, मगर ये जो दिल से निकलता बच्चों के, मासूम बच्चों के जो दिल से निकलता वो पक्की बात है। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? जितेश शर्मा। बाबा जितेश शर्मा वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर मैं बोल सकता हूँ। आने वाले उभरते हुआ प्लेयर है जितेश शर्मा, इंडिया के लिए काफी खेलेंगे अभी आगे जाके, सही है ना बेटा? फेवरेट प्लेयर रमिया, फेवरेट प्लेयर जॉनी बेस्टो या जितेश शर्मा या सिकंदर रजा? जितेश शर्मा। आपका? जॉनी बेस्टो धुआंधार बैट्समैन है जॉनी बेस्टो। व्हाट अबाउट सिकंदर रजा? सैम करन, यू हैव वेरी गुड बैट्समैन सैम करन। फर्स्ट मैच जीता है सैम करन, सेकंड मैच में ही प्ले वेरी वेल, तो आज का अच्छा मैच रहेगा, सैम करन जीतेंगे उसमें, सही है ना? देखिए ये पंजाब के भी कुछ प्लेयर्स हैं और लखनऊ के बारे में मैं दो तीन बात बोलना चाह रहा हूँ। लखनऊ की टीम बना था बेस्ट, केएल राहुल जब से टीम संभाले केएल राहुल की काफी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करे केएल राहुल और फर्स्ट मैच हारे। देखिए एक मैच दो मैच से कुछ नहीं होता, मगर आगे जाके अच्छी टीम है लखनऊ की। लखनऊ की टीम जरूर कमबैक करेंगी आज के मैच में, क्योंकि वो तो होम ग्राउंड है, सही है ना? होम ग्राउंड में कल का एक मैच देखिए, हमारा होम ग्राउंड में अपोजिट टीम हार गई। हम देखिए और देखिए लखनऊ की टीम केएल राहुल, किंडन डिकॉक, निकलेस पुरन, यश जवाल, कियर मेयर्स, काइल मेयर्स, किंडन डिकॉक, काफी जबरदस्त टीम है, सही है ना? एक भरे हुई टीम है। जब भी बैट्समैन चाहिए, मिडिल ऑर्डर चाहिए, या मार्क वुड देखिए, अमित मिश्रा देखिए, जबरदस्त आईसीसी बहुत अच्छी टीम है, क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है इसमें? सर मार्कस स्टोइनिस। कुणाल पांड्या, व्हाट अबाउट कुणाल पांड्या, कमबैक करेंगे कुणाल पांड्या? सर अभी परफॉर्म नहीं कर रहा, परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, ये मैच में कुछ आगे कुछ करेंगे कुणाल पांड्या। खेल रोल भी करेंगे। और ये टॉस का कैसा रहेगा, टॉस जीते बाद किसको बैटिंग का, वो बैटिंग का चैलेंज कंडीशन देख के, तो कल देखिए हम काफी इजी हो गया था चेजिंग, यहाँ पर भी चेजिबल इजी हो जाएगा। देखिए ये अपनी अपनी राय है देखिए बच्चों की, मगर मैच काफी अच्छा रहेगा। देखिए लखनऊ अच्छी टीम है लखनऊ, मगर लखनऊ वासे जो मैच है पंजाब का, हम चाहते हैं कि अच्छी क्रिकेट की जीत हो। थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। आगे आगे वीडियोस मेरे काफी अच्छे वीडियोस रहेंगे, बच्चों की रहेगी राय रहेगी दिल से, जो बच्चों के निकल रही, जो बच्चे अपने दिल से बोलते हैं हर वीडियो, हर चैनल वाले बोलते हैं कि लिख के देते हैं लोग बच्चे क्या स्क्रिप्ट लिख के देते, मगर ये दिल से जो स्क्रिप्ट निकलती है ना, ये बच्चों की स्क्रिप्ट है। कल भी मैं दो तीन वीडियोस डाला था बच्चों के, ये बच्चों आप लोग मेरा चैनल देखते जाइए और चैनल को जितना कुछ भी आप कहाँ से देख रहे हैं, आप ऑल ओवर इंडिया से देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ काफी दुबई से या पाकिस्तान से भी लोग देख रहे हैं, इंडिया के भाई यूपी भी दिल्ली बिहार से भी कमेंट्स आ रहे हैं मेरे को, यू आर डूइंग वेरी वेरी गुड सैयद भाई। बच्चों को आप जो बतला रहे दूसरे यूट्यूब चैनल हम लोग देखते हैं यूट्यूब चैनल में, वो क्या है बोलते, वो लोग स्क्रिप्ट बोलते हैं, चार जने बैठ के बोलते सीनियर्स, मगर ये जो बच्चे हमारे नहाने बच्चे, अल्लाह चाहे तो ये बच्चे एक चार पाँच साल में आईपीएल जरूर खेलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।